हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिस एनिमे मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये मूवी रिलीज हुई थी 2007 में। इस मूवी का डायरेक्टर मकोटो शिनकाई है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है, जिन्होंने योर नेम और वेदरिंग विद यू जैसे कुछ हाईली क्रिटिकल एवं कमर्शियल एनिमे मूवीज को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का जॉनर बिलोंग करता है रोमांटिक ड्रामा से। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए इस बेहतरीन एनिमे मूवी की कहानी से शुरू करते हैं। तो इस कहानी के सेटिंग जापान में है, एज यूजुअल एवरी एनिमे मूवी। और इस कहानी को 3 एपिसोड में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 1, जिसका नाम है चेरी ब्लॉसम। तो ये कहानी शुरू होती है 1995 से, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है ताकाकी तोनो। ताकाकी काफ़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का बच्चा था, जो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था, मगर उसकी दोस्ती अकारी शिनोहारा के साथ हो जाती है, जो कि टोक्यो में अपने पापा के ट्रांसफ़र की वजह से आई थी। अब ताकाकी और अकारी काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं, आज बिकॉज दे बोथ पोसेस ए सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेस्ट, और दोनों का एटीट्यूड भी काफ़ी हद तक सिमिलर था। और हम ये भी देखते हैं कि अकारी एंड ताकाकी एक दूसरे को अपने अपने नाम से बुलाते थे, विच ऑल्सो सिम्बोलाइजेज देयर डीप फ्रेंडशिप, आज बिकॉज जैपनीज कल्चर में एक दूसरे को नाम से तभी बुलाते हैं जब वो लोग एक दूसरे को बहुत क्लोजली जानते हो, वरना ज़्यादातर वक्त लोग टाइटल के साथ ही एक दूसरे को एड्रेस करते हैं। अब एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद अकारी फिर से दूसरे टाउन चली जाती है, जिसका नाम था टोचिगी, क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था। मगर दूसरे टाउन में जाने के बाद भी अकारी और ताकाकी ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। वो दोनों एक दूसरे को टाइम टू टाइम लेटर्स लिखते रहे। अब ताकाकी को पता चलता है कि अकारी के पापा का ट्रांसफर कागोशिमा में हो गया था, जो कि काफ़ी दूर था उसके टाउन से। तो वो तय करता है कि वो अकारी से मिलने जाएगा फॉर द लास्ट टाइम, आज बिकॉज वो जानता था कि वो शायद ही वो लोग फिर से मिलेंगे। ताकाकी अब अकारी के लिए एक लेटर भी लिखता है, जिधर वो अपने दिल में जो फीलिंग्स अकारी के लिए रखता है वो उसे बयां करता है, मगर ताकाकी उस लेटर को खो देता है एक तेज हवा चलने के कारण, और उसकी ट्रेन काफ़ी डिले हो जाती है क्योंकि एक तूफान उनके रास्ते के आगे था। मगर तब भी किसी तरह वो ट्रेन अपने स्टेशन में खड़ी उतरती है और वो अकारी से मिलता है, जो उसके लिए स्टेशन के वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रही थी। वो दोनों उसके बाद स्टेशन से बाहर जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को शेयर करते हुए किस करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक छोटे से कमरे के अंदर जाते हैं, आज बिकॉज बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जिधर वो दोनों एक दूसरे के साथ देर रात तक बात करते हैं, जिधर वो दोनों अपने ज़िंदगी के कुछ पल एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उन दोनों के ना चाहते हुए भी सुबह हो जाती है और ताकाकी अकारी को गुड बाय बोल के ट्रेन से अपने होम टाउन चला जाता है, और दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो लेटर्स लिखते रहेंगे। जब ताकाकी ट्रेन से काफ़ी दूर जा चुका था, तब अकारी चुपचाप अपने लेटर को देखती है, जो कि उसने ताकाकी के लिए लिखा था, मगर वो उसे देती नहीं। और इसी तरह एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है और एपिसोड 2 शुरू होता है, जिसका नाम है कॉस्मोनॉट। तो यह समय है 1999 का। ताकाकी अब सीनियर हाई में होता है इन तानेगाशिमा, जिधर तानेगाशिमा स्पेस सेंटर भी लोकेटेड था। और इधर हम ये देखते हैं कि काने सुमिटा नाम की एक लड़की है, जो ताकाकी के क्लासमेट भी है और वो ताकाकी से प्यार भी करती है, वो भी मिडिल स्कूल से, मगर उसके पास कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी फीलिंग्स को ताकाकी के साथ शेयर कर सके। और इधर ताकाकी को कोई भी आइडिया नहीं था कि काने उससे प्यार करती है, वो हमेशा काने को एज अ गुड फ्रेंड ही मानता रहा। इधर काने हमेशा पूरी कोशिश करती थी कि वो ताकाकी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, जिसके कारण वो स्कूल ख़त्म होने के बाद ताकाकी का इंतज़ार करती थी, ताकि वो और ताकाकी दोनों एक साथ घर तक जा सके। काने ने ये बहुत बार नोटिस किया है कि ताकाकी किसी को ईमेल करता है उससे थोड़ा डिस्टेंस में रहकर, और हम लोग ये बाद में देखते हैं कि ताकाकी ईमेल में जो भी लिखता था वो उसे बाद में डिलीट कर देता था, और वो हमेशा मायूस से रहता था। उसको सपने में भी अकारी की याद आती थी। काने
अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की एक और बार कोशिश करती है, मगर वह नहीं कर पाती। और उसको रियलाइज हो चुका था कि तकाकी को कुछ और ही चाहिए, वो किसी और की ही तलाश में है जो कि वो नहीं हो सकती। तो इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो और कुछ नहीं बोलेगी, मगर वो ये जानती थी कि वो तकाकी को प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगी, और वो ये भी जानती थी कि वो उसके लिए नहीं बनी है। इसी वजह से वो रोते रोते अपने आप को दिलासा देते हुए सो जाती है, और एपिसोड 2 इधर ही खत्म हो जाता है। एंड फ्रॉम हियर स्टार्ट्स एपिसोड 3, जिसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसकी कहानी शुरू होती है 2008 से, जहां हम देखते हैं तकाकी को, जो कि एक प्रोग्रामर है टोक्यो में, और इसी के साथ हम अकारी को भी देखते हैं, जिसकी एंगेजमेंट किसी और के साथ हो गई है, एंड शी इज क्वाइट हैप्पी विद हर लाइफ। मगर तकाकी अभी भी अकारी को याद करता है, उसके ख्यालों में डूबा रहता है। हम देखते हैं कि तकाकी को उसकी करेंट गर्लफ्रेंड कॉल करती है, मगर वो उस कॉल को नहीं उठाता, जो ये भी सिग्निफाई करता है कि देयर रिलेशनशिप इज नाउ ओवर। तकाकी अकारी से और कभी ना मिलने के दुख में वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपना जॉब भी छोड़ देते हैं। इधर अकारी एक बॉक्स खोलती है जिधर सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी, और उन्हीं पुरानी चीज़ों में से वो उस लेटर को भी देखती है जो उसने तकाकी के लिए लिखा था। तकाकी इधर एक कन्वीनियंस स्टोर में होता है, जिधर वो एक मैगजीन में 9 साल पहले जो रॉकेट लॉन्च हुआ था उसको पढ़ता है, और आई थिंक वो उसे इसलिए भी पढ़ता है क्योंकि जब ये रॉकेट लॉन्च हुआ था फ्रॉम तानेगाशिमा स्पेस सेंटर, तब वो वहाँ पे था। सो आई थिंक वो पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा था इन दी कन्वीनियंस स्टोर। अब तकाकी और अकारी दोनों ड्यूअल नरेशन शुरू करते हैं, जिधर हम देखते हैं कि दोनों अपनी आखिरी मुलाकात को याद करते हुए ये कहते हैं कि उस दिन उन दोनों ने एक विश किया था जिसके मुताबिक वो दोनों एक साथ चेरी ब्लॉसम को खिलते हुए देखेंगे फिर से, जैसे कि वो लोग बचपन में देखा करते थे। अब एक दिन दोनों उसी रास्ते से चलते हैं जिस रास्ते से वो दोनों कभी बचपन में चला करते थे। जब दोनों रेलवे क्रॉस लाइन से गुजरते हैं, तभी हम देखते हैं कि तकाकी अकारी को पहचान लेता है, और वो क्रॉस वॉक के इधर आके खड़ा हो जाता है, और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है टू सी अकारी, तभी ट्रेन आ जाती है और उन दोनों के व्यू को ब्लॉक कर देती है। और दोस्तों, ये वही जगह थे जिधर उन दोनों ने एक दूसरे को 13 साल पहले वादा किया था कि वो इसी चेरी ब्लॉसम ट्री को खिलते हुए देखेंगे। अब तकाकी ट्रेन के जाने का इंतजार करता है, मगर एक के जाने के बाद दूसरा आ जाता है, जो कि उसकी बेचैनी और भी बढ़ा देता है। उसके कुछ समय बाद जब दोनों ही ट्रेन पास वे कर जाते हैं, तब तकाकी ये देखते हैं कि अकारी वहाँ पे नहीं है। उसके बाद वो स्माइल करता है और धीरे धीरे वहाँ से चलने लगता है। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये मूवी आपको काफ़ी इनकम्प्लीट लगेगी जब आप इसको पहली बार देखोगे, और ये मूवी है भी सिर्फ 1 घंटे की, तो इसलिए कुछ लोग मेरी तरह गलती कर भी सकते हैं इस मूवी के पार्ट 2 को ढूंढने की, बट बिलीव मी इट हैज़ नो पार्ट 2। दोस्तों, ये मूवी है तो बहुत छोटी, बट बिलीव मी ये मूवी हमें हमारे पूरे जीवन का सार बता देती है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। ये मूवी हमें बताती है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है, जो हमें मिलता है वो हमें पसंद नहीं आता है, और जो हमें पसंद आता है वो हमारे पास टिकता नहीं है। इन्हीं बातों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ हमें इस एनिमे मूवी में दिखाया गया है, और मुझे जो लगा ये मूवी हमें एक और मैसेज देती है, जो कि है द कंसेप्ट ऑफ मूविंग ऑन। हम इस मूवी में देखते हैं कि अकारी अपने पास्ट को भुलाकर, या फिर हम बोल सकते हैं अपने पास्ट को दफन करके, वो अपने प्रेजेंट को अपना चुकी है, मगर उसी के पैरेलली हम ये देखते हैं कि तकाकी अपने आप को अभी भी अपने पास्ट से उभार नहीं पाया था, जिसके कारण वो काफ़ी हद तक डिप्रेशन में चला गया था। मगर मूवी के लास्ट सीन में जब तकाकी देखता है कि अकारी वहाँ पे नहीं है, तो वो समझ जाता है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो स्माइल करता है। और इधर से अब हम ये समझते हैं कि तकाकी भी अपने लाइफ में अब मूव ऑन करना चाहता है, वो अब और नहीं चाहता कि उसका पास्ट उसके प्रेजेंट को हैम्पर करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को देखें, क्योंकि ये मूवी कम समय में हमें बहुत कुछ बोल जाती है, और इसकी सिनेमाटोग्राफी भी देखने लायक है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये मकोटो शिंकाई की जो फिल्म है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, अगर आपको ऐसे एनिमे मूवीज़ या फिर सीरीज से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद और समझ दोनों आई होगी। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।